हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पूजा और मैं हूँ आपकी ऑर्थोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, डिमांड है कंफर्ट की, डिमांड है एस्थेटिक्स की, डिमांड है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस की और फ्रेंड्स डिमांड है ट्रेडिशनल ब्रेसेस से कुछ अलग हटकर ट्रीटमेंट लेने के मेथड की। तो फ्रेंड्स, इन सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो करंट ट्रेंडिंग ऑप्शन है वो है क्लियर अलाइनर्स का, बिकॉज क्लियर अलाइनर्स ही एक ऐसा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है जिससे आप इन सारी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं और साथ साथ अपने मेल अलाइन टीथ का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि अलाइनर्स वर्क कैसे करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ डू अलाइनर्स वर्क। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, क्लियर अलाइनर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का रिजल्ट है। क्लियर अलाइनर के मटेरियल और टेक्निक में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसलिए ऑर्थोडोंटिस्ट इनको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। हम लोग इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आउटकम भी मिल रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लियर अलाइनर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोसीजर है ब्रेसेस ट्रीटमेंट लेने का। ये सबसे पहले एस्थेटिक है, उसके बाद कंफर्टेबल है, मिनिमम इसमें डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। इसको आप खाना खाते टाइम रिमूव कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज़ें खा सकते हैं। इवन टीथ क्लीन करने के टाइम पर आप इनको रिमूव करके थोरो क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे कि डेंटल डीके होने का रिस्क बहुत ही मिनिमल हो जाता है। इवन इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बहुत कम क्लिनिकल विजिट्स देनी पड़ती हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलाइनर्स आर रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन एंड दे वर्क वेरी वेल इन सम ऑफ द फ्यू सेलेक्टेड केसेस ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह के केसेस को ट्रीट कर सकते हैं अलाइनर से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके जो टीथ हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं डेंटल मैल ऑक्लूजन की, जैसे आपके दांतों में अगर स्पेसिंग है तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप अलाइनर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आपके दांतों में माइल्ड टू मॉडरेट क्राउडिंग है या ओवरलैपिंग है, अगर आपकी डीप बाइट है तो भी आप अलाइनर से उसको करेक्ट करवा सकते हैं। आपके मोलर्स डिस्टली यानी पीछे की तरफ टिप्ड हैं तो भी आप गुड कैंडिडेट हैं अलाइनर ट्रीटमेंट के लिए, या फिर फ्रेंड्स आपका पहले से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हुआ है और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, यानी किसी प्रकार कोई रिलैप्स हो गया है, तो उसके लिए भी आप अलाइनर ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से कंसल्ट करके। तो फ्रेंड्स, ये कुछ केसेस हैं जिनमें हम अलाइनर का ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। फ्रेंड्स, डिजिटल एडवांसमेंट्स में कैट कैम टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डेंटिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस में कैट कैम टेक्निक का यूज़ हो रहा है। इसके साथ साथ ऑर्थोडोंटिक्स यानी ब्रेसेस टेक्निक्स में भी कैट कैम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जो हमारे क्लियर अलाइनर्स हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रीटमेंट प्लानिंग कैट कैम टेक्नोलॉजी की सहायता से की जा रही है, जिससे बहुत ही एफिशिएंट क्लियर अलाइनर्स का ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। इसमें हम डिजिटल ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। आइए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि अलाइनर्स वर्क कैसे करते हैं। अलाइनर्स वर्क करने के दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट ड्रिवन सिस्टम, दूसरा है फोर्स ड्रिवन सिस्टम। फ्रेंड्स, जो डिस्प्लेसमेंट ड्रिवन सिस्टम से अलाइनर्स वर्क करते हैं वो माइनर टूथ मूवमेंट यानी कि छोटे टूथ मूवमेंट्स के लिए ही सफिशेंट होता है, जैसे थोड़ा दांत को आगे या पीछे करना है या थोड़ा अंदर की तरफ करना है। इससे हमें बहुत अच्छे टूथ मूवमेंट्स नहीं मिल पाते हैं और रूट का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता है। बट फ्रेंड्स, फोर्स ड्रिवन सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट एडवांस टेक्निक है, इसमें हम जो भी मेजर टूथ मूवमेंट्स हैं जो हमें अचीव करने हैं एक मैलोक्लूजन को करेक्ट करने के लिए, इसके साथ साथ रूट मूवमेंट्स भी हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फोर्स ड्रिवन सिस्टम से जो अलाइनर्स काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और एक्यूरेटली काम करते हैं, और हमारे लेटेस्ट अलाइनर टेक्नोलॉजी में हम कैट कैम टेक्निक से आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं और स्टीरियोलिथो प्रोटोटाइपिंग से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आपको
जो एंड में रिज़ल्ट मिले वो बिल्कुल ही परफेक्ट हो और आपके जिस तरह से स्माइल डिज़ाइनिंग को प्लान किया गया है वो उसी तरह से पूरा एग्जीक्यूट हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अलाइनर्स की वर्किंग के बारे में कुछ जानकारी हुई होगी और हम अपने आगे के वीडियोस में अलाइनर्स के ऊपर फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि अलाइनर्स की वर्किंग किस तरह से कंप्लीट होती है और फर्दर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।